नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसारथी न्यूज। अगर आपको कभी अदालत जाना पड़े और आपके नाम को पुकारा जाए तो आप शायद घबरा जाएंगे, लेकिन जब अयोध्या मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह के रूप में फोटोग्राफर केदार जैन को कोर्ट में बुलाया जाता था तो उनका चेहरा खिल उठता था। उन्हें आवाज दी जाती थी, रामलला के फोटोग्राफर हाजिर हों, और यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। केदार जैन बताते हैं कि वे 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के साथ यहां से स्वतंत्र फोटोग्राफर के रूप में कवरेज के लिए गए थे, जहां चारों तरफ जनसमूह के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे तैसे हम मौके पर पहुंचे तो भगवान राम का फोटो खींचा, जो कि ताले में बंद थे। इसके बाद बड़े बड़े नेता कार सेवकों के साथ मौके पर पहुंचे और वहां कार सेवकों ने चबूतरे का निर्माण कर भगवान रामलला को विराजमान किया, साथ ही चबूतरे पर छोटा सा टेंट भी बना दिया। ये सभी फोटोग्राफ्स मैंने अपने कैमरे में कैद किए हैं। 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा था विवादित, उसको जो वहाँ बेकाबू भीड़ थी, कार सेवक थे, उन्होंने उसको तोड़ दिया। ये कई सैकड़ों सालों का जो एक आंदोलन था इसको लेकर, तो उसको जब तोड़ा, मैंने उसकी तस्वीरें ली, उससे पहले भी मैंने ली जब उसको तोड़ा नहीं था, उस दृश्य को देखा। फिर उसके बाद रात ही रात को वहाँ अस्थायी रूप से टेंट लगाकर रामलला को विराजमान करके सभी कार सेवक और जो भीड़ थी वहाँ, वो अपने अपने गंतव्यों को रवाना हो गई। उसके बाद में फिर मैं अयोध्या 92 के बाद में फिर बीच बीच में भी जाता रहा। आज कहीं पे भी हम फैमिली के साथ तीर्थ करने जाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ पर्यटन भी होना चाहिए, देशाटन भी होना चाहिए, तो वहाँ अब सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हो गई हैं। हवाई जहाज की भी सुविधा हो गई, रेलवे स्टेशन भी बड़ा शानदार बना दिया। रेल तो पहले भी अयोध्या जाती थी, फैजाबाद जाती थी, लेकिन अब उसका जो बढ़िया विस्तारीकरण हुआ है तो ये मतलब अयोध्या के लिए मील का पत्थर साबित होगा, और आने वाले समय में प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालुओं का अयोध्या एक बहुत बड़ा हब भी बन जाएगा। तो मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूँ और बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। भगवान राम की कृपा से आज मेरे को कम से कम इतना बड़ा स्थान मिला, और इतनी बड़ी घटना में कहीं ना कहीं मैं एक गैलरी की तरह मेरा भी इसमें योगदान रहा। और आज इसको जब भव्य मंदिर बनते हुए हम देख रहे हैं तो मन को बड़ी मतलब ये समझ लो कि तृप्ति हो गई। क्षत्रिय हैं हम, भगवान राम के वंश से हैं, ये तो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और हमारा वहाँ मंदिर भी है भगवान ऋषभदेव का, और वहाँ जैनियों के जो हमारे जितने भी समाज के लोग हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। अब तो डिजिटल ज़माना भी है, ड्रोन का भी ज़माना है, और फिर हम तो ज़मीन से लेकर आसमान से वहाँ के शॉट लेंगे, और कुछ इस तरीके से हम लेंगे कि मतलब जो हम जो सोच के जा रहे हैं कि अयोध्या में बदलाव क्या हुआ है वो हमको देखना है। राम मंदिर बनने के बाद लोग वहाँ क्या सोचते हैं, स्थानीय लोग, व्यापारी वहाँ के क्या सोचते हैं, बस ये जगह ही है कि वहाँ का निमंत्रण हमको प्राप्त होगा। नहीं, मेरा नाम तो है, और वहाँ से अभी कुछ ये मौसम के चक्कर में बहुत सारे आमंत्रण पत्र जो हैं वो डिलीवर होने में दिक्कत आ रही है, तो शायद कुछ ऐसी घोषणा भी की। अभी परसों मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था कि जिनको डिलीवर नहीं हो पाए उनको वहीं वो अयोध्या में पहचान करके वो उनको वहाँ देंगे। तो देखा आपने किस तरह से फोटोग्राफर केदार जैन ने अपने कैमरे में जो 1992 में 6 दिसंबर को कैद किया था वो हमारे साथ साझा किया। जनसारथी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।